अगर आपने अभी अभी आपका कुछ रिपोर्ट करवाया है और ब्लड रिपोर्ट जो होते हैं वो करवाया है और उसमें आपका फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट प्रांडियल शुगर, HbA1c, ये अगर प्री डायबिटिक रेंज में आया है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूँ न्यूट्रिशनिस्ट अमिता गद्रे और आज हम बात कर रहे हैं प्री डायबिटिक डाइट के बारे में। प्री डायबिटीज मतलब क्या होता है? काफी बार जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं और आजकल तो ये बहुत बिल्कुल ऐसे यंग जनरेशन या 20-21 साल के लोगों में भी देखने में मिलता है कि जैसे उनका फास्टिंग ब्लड शुगर जो होता है या पोस्ट प्रांडियल शुगर जो होता है, PP2 खाने के बाद वाला जो शुगर्स टेस्ट करते हैं, ये सारे हाई रेंज में आते हैं। मतलब नॉर्मल रेंज से बाहर शुगर ज्यादा आते हैं। और HbA1c नाम का एक टेस्ट होता है, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन जिसे कहते हैं, तो वो भी उनका लेवल्स हाई आता है। और फिर डॉक्टर कहते हैं कि भाई संभल के रहना, नाउ यू आर प्री डायबिटिक। तो प्री डायबिटीज का मतलब ये है कि अगर आपके शुगर लेवल थोड़े ज्यादा है, पर इतने ज्यादा नहीं कि आपको फ्रैंक डायबिटीज हो और इतने ज्यादा नहीं कि आपको इमीडिएटली डायबिटीज की दवाई शुरू करनी पड़े, तो उसे उसे कहते हैं प्री डायबिटीज। अब प्री डायबिटिक लेवल्स जो होते हैं वो अगर आप अपने डाइट, लाइफस्टाइल, आप एक्सरसाइज, इन सब चीजों का ध्यान ना रखें, तो देर इज अ चांस ऑफ यू गेटिंग डायबिटीज इवेंचुअली। के मतलब प्री डायबिटीज जो है वो डायबिटीज में भी कन्वर्ट हो सकता है। पर इसी के साथ अगर आप प्री डायबिटिक ऐसे डायग्नोज हो गए हैं और आप कुछ डाइट में चेंजेस करेंगे, आप अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइजेस में चेंज करेंगे, तो आप आपका जो प्री डायबिटिक स्टेटस है उसको आप नॉर्मल मतलब नो डायबिटीज वाले स्टेटस में भी आप ला सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं ये आज समझते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपको आप प्री डायबिटिक हो तो आपको ध्यान रखना है, वो है हिडन शुगर्स का। आज हमारे डाइट में, आज हम जो दिन भर में नॉर्मली जो लोग खाते हैं उसमें काफी सारी जगह पर हिडन शुगर्स होती है। सम टॉप एग्जांपल्स आज जैसे जो चिप्स, बिस्किट्स, नमकीन सब जो खाते हैं वो, या केचप, मेयोनेज, जैसे ब्रेड ब्रेड स्प्रेड्स जो इस्तेमाल करते हैं, उन सब में काफी ज्यादा हिडन शुगर्स होती है। जो फ्रूट जूस लोग पीते हैं उसमें भी हिडन शुगर्स होती है, और ज्यादातर तो वो फ्रूट जूस होता ही नहीं है। तो हिडन शुगर से बचे रहिए। अगर आपको हिडन शुगर्स के बारे में और जानकारी चाहिए तो मेरा वीडियो एक बना हुआ है ऑन हिडन शुगर्स यूट्यूब पर, जो मेरा चैनल है अमिता होलिस्टिक न्यूट्रिशन, वहां पर आप जाके वो देख सकते हैं। तो हिडन शुगर्स नीड टू बी अवॉइडेड एब्सोल्युटली, जहां तक बन सके आपको हिडन शुगर्स नहीं खाने। जी हाँ, केचप भी उसमें आता है, क्योंकि केचप, टोमेटो सॉस जो होता है उसमें बहुत सारी शुगर्स होती है। सो दैट्स नंबर वन। नंबर टू इज रिस्टोर योर कार्ब बैलेंस। अब जब 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 मेरे पास कोई भी प्री डायबिटीज का केस आता है, तब सबसे पहली चीज उसमें जो नजर आती है वो ये है कि उनके डाइट में, भले ही घर का खाना खा रहे हो सुबह शाम, पर डाइट में कार्ब बैलेंस जो होता है वो गड़बड़ होता है। कार्ब बैलेंस का क्या मतलब है कि आपके जो हर मील है, मतलब लंच की बात कर लो या डिनर की बात कर लो, आपका जो आप खाना खा रहे हैं उसमें बहुत सारे ज्यादा से कार्ब्स होते हैं, और उसकी कंपैरिजन में आप जो सब्जियां है या जो प्रोटीन कंपोनेंट्स है, कि मतलब आप पनीर खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, फिश खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, या दाल, पल्सेस जो भी खा रहे हैं, उसकी मात्रा कम होती है। हर कोई जो है वो एक कटोरी सब्जी के साथ तीन तीन चार चार रोटियां खाता है, तो ऐसे में क्या हो जाता है कि आप ओवरऑल आपका कार्ब इंटेक जो है वो बहुत बढ़ा देते हैं। तो ऐसे में इट मेक सेंस, इफ यू आर प्री डायबिटिक, तो आप रोटी चावल थोड़ा कम करें, सब्जी दाल जो है उसकी मात्रा बढ़ा दें। सो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू डिक्रीज द ग्लाइसेमिक लोड ऑफ ऑल ऑफ योर मील्स। ठीक है, अब आई तीसरी बात। तीसरी बात यह है जिस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, एंड दैट इज दैट ओवरऑल जो सैचुरेटेड फैट इंटेक होता है, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट आपको किस में से मिलता है? जो जो सारी बाहर बनी हुई जैसे डीप फ्राइड चीजें होती है, इवन घर में भी अगर आप बहुत ज्यादा डीप फ्राइड चीजें खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, इंस्टेंट नूडल्स खा रहे हैं, काफी सारे जो बेक स्नैक्स आते हैं आजकल मार्केट में मिलते हैं, उसका भी आपको टोटल फैट जो है वो देखना चाहिए, बिकॉज दैट टोटल फैट इनटेक कैन बी वेरी हाई इवन इफ द स्नैक इज बेक्ड। तो ऐसे सब जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड चीजें होती है, या इवन रेडी टू फ्राई स्नैक्स जो मिलते हैं, या रेडी टू ईट स्नैक्स आजकल जो मिलते हैं, पार्टी स्नैक्स जो मिलते हैं, ये सारी जो चीजें हैं इसका फैट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। अब आप कहेंगे कि डायबिटीज तो शुगर का होता है मैडम, तो
तो ये फैट कहाँ से आ गया? फैट इज द मोस्ट लाइक से नेग्लेक्टेड थिंग इन डायबिटीज मैनेजमेंट या इवन इन प्री डायबिटीज मैनेजमेंट. बहुत बार अब रिसर्च में देखा गया है कि एक बात होती है, एक पहलू होता है प्री डायबिटीज या डायबिटीज मैनेजमेंट का, जिसमें आप शुगर्स या आपके कार्ब्स मैनेज कर रहे हैं, एंड द सेकेंड एस्पेक्ट इज वेयर यू आर मैनेजिंग द फैट इनटेक. तो आपको आपका सैचुरेटेड फैट इनटेक या इवन टोटल फैट इनटेक जो है, फैट जितना आप खा रहे हैं दिन भर में, उसकी मात्रा कम रखना जरूरी होता है. बिकॉज अगर वो आप ज्यादा खाएंगे तो ओवरऑल आपकी कैलोरीज बढ़ जाएंगी और उससे आपकी शुगर जो है वो स्पाइक अप हो जाएंगी, राइट? ठीक है, सो दैट वाज द अदर एस्पेक्ट. सबसे पहले हमने बात की हिडन शुगर्स की, देन वी स्पोक अबाउट मैनेजिंग योर कार्ब लोड, के मतलब ओवरऑल आपका जो कंपोजिशन है वो आप कार्ब हैवी की जगह प्रोटीन की तरफ ज्यादा, सब्जियां ज्यादा खाना, इस पर ध्यान देना है. थर्ड इज दैट यू नीड टू मैनेज योर फैट इनटेक. नाउ द फिफ्थ रूल दैट यू फिफ्थ थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ इफ यू आर प्री डायबिटिक, अगर आपको आप प्री डायबिटीज है आपको, तो एक और बात आपको जो है फोर्थ रादर इस बात का आपको ध्यान रखना होता है, एंड दैट इज दैट यू डोंट लाइक यू नो यू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डाइटरी फाइबर दैट यू टेकिंग. डाइटरी फाइबर हमें कहाँ से मिलता है ये जरा चलिए कमेंट्स में देखें, आप लोग बता सकते हैं क्या कि डाइटरी फाइबर किस में से मिलता है, मैं बताऊंगी आपको. सो डाइटरी फाइबर, टोटल डाइटरी फाइबर जो होता है, मतलब आप फाइबर आपके फूड में जो है उसका इंटेक आप जैसे ही ज्यादा बढ़ा देंगे, वैसे आप देखेंगे कि आप जो भी मील खा रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम होता जाता है. अब आप में से यहाँ पर कोई भी मुझे बता नहीं रहा है फाइबर किन चीजों में से मिलता है हमें, चलिए देखते हैं आप बता पाते हैं या नहीं. तो जैसे हम फाइबर इंटेक हमारा बढ़ाते हैं, तो वैसे हमारा जो लाइक जो भी फूड हम खा रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है. ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से क्या होता है कि आपका जो शुगर्स जो है वो स्पाइक अप नहीं होंगी, एंड दैट इज ऑल दैट यू वांट टू डू इवेंचुअली इन प्री डायबिटीज, कि शुगर्स जो है वो दिन भर में आपकी फ्लक्चुएट ना हो, इज द प्राइमरी गोल ऑफ दैट मैनेजमेंट. ठीक है, तो ऐसे में आपको फाइबर इंटेक आपका बढ़ाना बहुत जरूरी है. मेधा संत यहाँ पर कह रही है कि मेथी सीड्स में से आपको मिलता है फाइबर, पर कितने मेथी सीड्स खा पाओगे आप, है ना? एक चम्मच से ज्यादा तो आप खा नहीं पाओगे. प्लस द फाइबर इन मेथी सीड्स इज ऑल्सो नॉट लाइक यू नो वो ऐसे अब्सॉर्ब नहीं होता, बट इट्स नॉट अ लॉट ऑफ सोल्युबल और डाइटरी फाइबर. सो अनुराधा, गिरीश कुलकर्णी यहाँ जो कह रहे, दे आर परफेक्टली राइट. होल ग्रेन्स, ब्राउन राइस, ओट्स, लीफी वेजिटेबल्स, ओट मील, यहाँ पर मुकेश भी कह रहे हैं ओट मील, सीड्स एंड नट्स. अनुराधा, यस, सीड्स एंड नट्स आर अ सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर एज वेल एज सम हेल्दी फैट ऑल्सो फॉर यू. तो ये जो सारी चीजें होती है, ब्रोकली, सब्जियां जो है, सो योर वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और जैसे ओटमील जैसी चीजें होती है, या हमारे यहाँ ओटमील तक भी अगर आपको नहीं जाना, क्योंकि बहुत लोगों को ओट्स खाना पसंद नहीं होता है, पर फिर आप क्या खा सकते हैं? आप खा सकते हैं व्रत के चावल. व्रत के चावल पर मैंने जो व्रत सुपर फूड वाला मेरा वीडियो है उसमें बहुत विस्तार से बात की है, तो वो वीडियो आप देखना भूलेगा मत. व्रत के चावल जो होते हैं वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होते हैं, उससे आपकी शुगर स्पाइक अप नहीं होती. तो अगर किसी को चावल खाना बहुत पसंद है और शुगर्स भी मैनेज करने हैं, तो ऐसे में आप व्रत के चावल खा के, चावल राइस जैसा होता नहीं है, बट यू कैन मेक अ कॉम्प्रोमाइज इन लाइफ एंड ईट व्रत के चावल इंस्टेड, बिकॉज उससे जो है वो आपका शुगर जो है वो मैनेज होंगे. अविनाश पाठक यहाँ पूछ रहे हैं गोमूत्र के बारे में क्या. गोमूत्र से देखिए कैसा है, आई डोंट नो, आई डोंट प्रिस्क्राइब गोमूत्र टू एनीवन, पर अगर आप गोमूत्र भी ले रहे, एक बात का तो मुझे पक्का पता है कि आप कुछ भी ऐसे अलग चीज कर रहे हो, मतलब बहुत लोग एप्पल साइडर विनेगर पीते हैं, गोमूत्र पीते हैं, या इवन ये सारे अलग जूसेस पीते हैं सुबह उठते ही, कड़वे जूसेस प्री डायबिटीज के मैनेजमेंट के लिए. और अगर आप ये सब चीजें कर रहे हैं पर आपका दिन भर का जो डाइट है वो गड़बड़ रहा, तो ये सब चीजें बेकार हो जाएंगी, उसका कुछ फायदा नहीं होगा आपको. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू ऑलवेज नीड टू डू इज दैट यू मैनेज योर एंटायर डाइटरी इंटेक, एक पूरे दिन का डाइट जो है वो आप मैनेज कीजिए, ताकि आप जो है आगे उसका बेनिफिट देख सके, एंड दैट्स हाउ इट लेज द फाउंडेशन ऑफ यू मैनेजिंग योर प्री डायबिटिक थिंग. नाउ द लास्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर इफ यू आर प्री डायबिटीज एंड यू हैव लाइक यू वांट टू मैनेज ब्रिंग योर ब्लड शुगर्स डाउन, तो हमने इन सब डाइटरी फैक्टर्स की बात की. अब दो फैक्टर्स ऐसे हैं
कि जिसका आपको बिचार नॉन डाइटरी फैक्टर्स बट इक्वली इम्पोर्टेंट. सबसे पहली चीज है कि आप यहाँ पर बताइए, सबसे पहली चीज मैं क्या कहूंगी, लेट्स सी व्हाट यू इफ यू कैन गेस इट. बट लाइक से अनदर फैक्टर जो बहुत बार लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो है कि स्लीप. स्लीप एपनिया अगर आपको है, मतलब रात को बहुत ज्यादा स्नोरिंग होता है या बार बार नींद खुलती है खर्राटों की वजह से, लैक ऑफ लाइक ब्रीदिंग ना होने की वजह से, या इवन लाइक से यू आर जस्ट वेकिंग अप कॉन्स्टेंटली, तो ये सब जो चीजें होती है वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस और प्री डायबिटीज के साथ लिंक्ड होती है. तो अगर आपको प्री डायबिटीज है तो लाइक यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर स्लीपिंग ओके. बहुत लोगों को जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऐसी कुछ चीजों की वजह से भी नींद खराब आती है, या बहुत ब्लू स्क्रीन एडिक्शन होता है. तो ये सब चीजें अगर आपको है, सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज फिक्स योर स्लीप. अच्छी नींद इज लाइक से वन ऑफ द फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ अ गुड हेल्थ. तो आप आपकी नींद सही करने पर ध्यान दीजिए. एंड सेकेंडली, जैसे गिरीश कुलकर्णी ने यहाँ पर कहा ही है कि एक्सरसाइज, एब्सोल्युटली यस, एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते तो शुरुआत कीजिए कि थोड़ा आप लाइक यू नो यू स्टार्ट वॉकिंग अबाउट 5 to 8,000 स्टेप्स इन अ डे, और फिर यू कैन ग्रेजुअली इंक्रीज. अगर आप ऑलरेडी एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करते हैं तो लाइक इंक्रीज द इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी और कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए उसमें, एंड ऑल्सो फोकस ऑन स्ट्रेंथ बिल्डिंग, क्योंकि उसके उससे भी आपको फायदा होगा आगे जाके, लाइक एंड ऑल्सो इन डायबिटीज मैनेजमेंट. सो ये सब चीजें जो थी, इंक्लूडिंग स्लीप एंड योर लाइक से एक्सरसाइज, आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ब्रिंगिंग इन मैनेजिंग प्री डायबिटीज. सो मुझसे अगर आप पूछेंगे कि क्या प्री डायबिटीज हुआ मतलब हमें डायबिटीज होगा ही, ऐसा नहीं होता है. ऑफकोर्स इफ यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज तो आपको और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, और ज्यादा सतर्क रहना चाहिए कि आपका लाइफस्टाइल जो है, आपका डाइट जो है, आपका ओवरऑल स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो सही रहे, ताकि योर प्री डायबिटीज डज नॉट बिकम डायबिटिक. बट यस, इट इज प्रिटी मच पॉसिबल टू रिवर्स इट. यहाँ पर रूपल पूछ रही है कि प्रोटीन शेक इज गुड टू कंज्यूम इन वेट लॉस विद जिम. रूपल, प्रोटीन शेक्स के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, प्लीज गो एंड वॉच दैट ऑन माई यूट्यूब. अभी हम प्री डायबिटीज की बात कर रहे हैं तो मैं उस पर टॉपिक पर फोकस करना चाहूंगी. अनुराधा इज आस्किंग हाउ अबाउट डेयरी कंजम्पशन इन प्री डायबिटीज. अब डेयरी भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, दूध, दही, बटर मिल्क हैव अ गुड प्लेस इन योर डाइट, इवन पनीर फॉर दैट मैटर. अनलेस एंड एंटिल आप लाइक से आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, देर इज नो नीड फॉर यू टू स्टॉप कंज्यूमिंग डेयरी. बट ऑफकोर्स यू नीड टू मेंटेन अ बैलेंस. ये ना हो जाए कि आप दूध ही दूध पी रहे हो और फिर बाकी चीजें आप ना खाए, क्योंकि लाइक मिल्क अगेन ऑल्सो हैज लाइक लैक्टोज एज अ शुगर. सो यू ऑल्सो नीड टू इंक्लूड कि मतलब आप बाकी सारी चीजें भी जो है जिनके बारे में मैंने बताया वो सब खाना बहुत जरूरी हो जाता है, और उसके साथ यू कैन ऑलवेज सप्लीमेंटेड विद दही, बटर मिल्क और सच. ओके, तो अनुप जी, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी दैट यू लव दिस पॉडकास्ट. और आप आई एम श्योर ये जो इंफॉर्मेशन आज मैंने अभी शेयर की है ये सबको बहुत काम आएगी. तो आप प्लीज सबके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो सके. और इंस्टाग्राम पर मैंने कल इन्फ्लेमेशन कैसे कम कर सकते हैं इस पर एक वीडियो डाला है, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करते हैं या नहीं? अगर नहीं करते तो वहां पर भी मेरा हैंडल है अमिता गद्रे, तो वहां जाके प्लीज मुझे फॉलो कीजिए कीजिएगा. आई वुड लव टू इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ यू ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. ट्विटर पर भी सेम हैंडल है अमिता गद्रे, वहां पर भी आप में से काफी लोग ट्विटर पर भी मुझसे बातें कर रहे हैं, एंड आई वुड लव टू लाइक यू नो टॉक टू ऑल ऑफ यू. अश्विनी गद्रे, दैट्स माई मॉम, शी इज आस्किंग एटेनॉल मुळे डायबिटीज होतो का? अजीब बात नहीं, एटेनॉल वो पूछ रही है कि एटेनॉल से डायबिटीज होता है क्या? नहीं, कोई भी ऐसे ये जो दवाइयां होती है, सो विच आर लाइक मैनेजिंग योर ब्लड प्रेशर, मैनेजिंग योर कोलेस्ट्रॉल, स्टैटिन जो लेते हैं, नन ऑफ दीज मेडिसिन, इनसे आपको डायरेक्टली डायबिटीज ऐसा नहीं होता. हाँ, कुछ दवाइयों का इफेक्ट ऐसा होता है दैट दे कॉज लाइक यू नो मोर शुगर टू गो इन योर यूरिन और सच, पर जहां तक हम प्री डायबिटीज की बात कर रहे हैं, इट इज नेवर कॉज ड्यू टू लाइक से अ स्पेसिफिक मेडिकेशन दैट यू आर टेकिंग, उससे प्री डायबिटीज नहीं होता. इट्स ऑलवेज ऑलवेज बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, या अगर आपको पीसीओएस ऐसे कुछ एसोसिएटेड हार्मोनल इश्यूज है जिनमें वन ऑफ द फैक्टर्स इज ऑल्सो इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो ऐसे में भी आप प्री डायबिटिक हो सकते हैं. तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा, और मुझसे डाइट कंसल्टेशन चाहिए तो अमितागद्रे.com पर जाके आप मेरा संपर्क कर सकते हैं. धन्यवाद.